Hello and welcome to Abhipedia, powered by ABHIMANU IAS. I am your current affairs mentor Subhashish Singh Rehal. Now coming to the topic, एक नई मिसाइल लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्नि-P मिसाइल। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय DRDO। अब एग्जाम में प्रीलिम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अग्नि मिसाइल के ऊपर क्वेश्चन आया था सम टाइम बैक इन यूपीएससी प्रीलिम्स कि उसकी रेंज कितनी है, और ऐसे ही बाकी मिसाइल्स के ऊपर भी आ सकता है, या अग्नि के बारे में कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में कुछ आ सकता है। तो ये वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे और ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। चलो देखते हैं पहले कि अग्नि-P मिसाइल है क्या। अग्नि-P मिसाइल इज सेड टू बी अ ग्रेट इनोवेशन। अग्नि मिसाइल और अग्नि-P मतलब प्राइम, तो एक काफ़ी बड़ा इनोवेशन किया है डीआरडीओ के अकॉर्डिंग। डीआरडीओ बोल रहा है कि दिस इज़ अ न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ये बता देता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल। अगर एक मिसाइल होती है वो दो टाइप की होती है, वन इज़ बैलिस्टिक और दूसरी है क्रूज। बैलिस्टिक मतलब जैसे कि हम बॉल फेंकते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो हवा में जाती है फिर नीचे गिरती है, तो दिस इज़ नोन एज अ बैलिस्टिक मिसाइल। कोई भी प्रोजेक्टाइल हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं, दैट इज़ अ बैलिस्टिक। और एक होता है क्रूज मिसाइल, जो एक एनिमी टारगेट को फॉलो करती है, चेस करती है, तो वो होती है क्रूज मिसाइल। तो दो ही क्लासिफिकेशन है। तो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय एट डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम आइलैंड, बालासोर, ओडिशा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मिसाइल के बारे में कि इसकी रेंज 1000 to 2000 किलोमीटर्स है। इसकी रेंज 1000 to 2000 किलोमीटर्स है। कंफ्यूज मत होना, बिकॉज अग्नि मिसाइल, अग्नि-5 मिसाइल जो है उसकी रेंज 5000 किलोमीटर्स है। तो आप सोचोगे कि ये मिसाइल की रेंज इतनी कम है, फिर हमको क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। आता तो है दिमाग में, है ना। तो ये इसीलिए है बिकॉज दिस इज़ अ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल। एक कैनिस्टर में डाल के, आप ये देखिए कैन सा बना हुआ है, इसमें डाल के मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है। ये इनोवेशन है बिकॉज ये मिसाइल हल्की है, इट इज़ बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल, और इसको लॉन्च करना, फायर करना बहुत इजी है। तो कैनिस्टराइजेशन का एक एडवांटेज है, मतलब कैनिस्टर में फायर करने का, कि इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल एंड इट इम्प्रूव्स द स्टोरिंग एंड मोबिलिटी ऑफ द मिसाइल। तो इसीलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप ये यहाँ पे देखिए, ये अग्नि-1 मिसाइल है, इसका लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए कैनिस्टर बेस्ड नहीं है, ये कैनिस्टर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसमें मिसाइल ऑलरेडी पैक्ड होती है, तो आप इसको ट्रक में रखो, ट्रक से लेके कहीं पे भी जाके फायर कर दो। ऐसे नहीं कि फिक्स लोकेशन पे ही करनी पड़ेगी, जैसे कि अग्नि-1 का लॉन्च हुआ था। तो अग्नि मिसाइल, अग्नि-5 इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कैनिस्टर से लॉन्च किया है। तो इट इज़ अ वेरी बिग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, जैसे वो डीआरडीओ वाले बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि पहली बार कैनिस्टर से लॉन्च किया गया है एक ICBM मिसाइल को। तो ये भी थोड़ा बता देता हूँ, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, नाम से ही पता चल जाता होगा। बैलिस्टिक मिसाइल तो मैं बता चुका हूँ, पर इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस फायर कर सकते हैं। यूएस की गवर्नमेंट इसको डिफाइन करती है एक ICBM मिसाइल को कि जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है, मतलब बनता है कि इसकी रेंज एक कॉन्टिनेंट पार कर सकती है। पर हम इसको भी अभी इस केस में अग्नि-P को भी हम ICBM बोल रहे हैं, इंडिया बोल रही है इसको, ठीक है। हमारी अग्नि-5 इज़ अ प्रॉपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी रेंज है बिटवीन 5000 to 8000 किलोमीटर्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में रेंज के बारे में क्वेश्चन आया था, तो वो था उसमें 2000 किलोमीटर, 4000, 5000, 8000 किलोमीटर। तो वहाँ पे अगर ऐसे आते हैं तो स्पेसिफिकली इसका रेंज है 5000, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट किया है। पर अब कोई चीज़ ऐसे थोड़ी कितनी करेगी, इससे आगे भी जा सकती है, इस पर हम 5000 ही मानेंगे इसको। अब इट इज़ अ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। जो पहले की जो अग्नि मिसाइल थी उससे ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। नॉट जस्ट कि कैनिस्टर से फायर हो सकता है, बट इस मिसाइल के पैरामीटर्स, जैसे कि उसकी मूवमेंट कैसी है, मैनूवरिंग, या उसकी एक्यूरेसी, टारगेट को हिट करना, वो एक बहुत इम्प्रूव्ड है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर मिसाइल्स। अब इसका ये भी फ़ायदा है, अगर हम देखा जाए यहाँ पे, इट्स ए न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको आप कहीं से भी फायर कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई अटैक करता है, तो इंडिया उसकी अच्छे तरह से उसको फायर कर सकती है। तो देयर इज़ अ क्रेडिबल डेटरेंस कि दूसरी कंट्री हमें अटैक करने से सोचेगी, उनको डेटर करेगी। सो इट्स अ क्रेडिबल डेटरेंस। सो द अग्नि-P मिसाइल इन्हांसेस इंडियाज़ क्रेडिबल डेटरेंस कैपेबिलिटी। हम यही टेक्नोलॉजी को अगली मिसाइल्स में डाल सकते हैं जिनकी रेंज ज़्यादा है ना। तो ये एक टेक्नोलॉजी, एक बेसिकली एक शो केस था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। आगे मिसाइल्स में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अगर हमारा क्रेडिबल डेटरेंस होगा, देन ओनली वी कैन फॉलो आर पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उनसे पहले हमें न्यूक्लियर सैंक्शंस लगे हुए थे। उन्होंने जब फायर किया था, टेस्ट फायर किया था पोखरान में, तो उस टाइम भी उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट देयर विल बी ए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम न्यूक्लियर पावर तो है, पर हम इंश्योर करेंगे दैट वी विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू अटैक। हमें किसी ने अटैक किया तब भी हम उसको अटैक करेंगे। सो दिस इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल डेटरेंस कैपेबिलिटी होगी। तो तभी होगा जब दूसरे को पता है कि अगर हमने इसको अटैक किया तो ये हमें भी वापस अटैक कर सकता है, इसलिए सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स क्लास चलता है एवरी मंडे 12:30 to 1:30। तो बिल्कुल रेलिवेंट वे में कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स में कैसे आएगा, मेंस में कैसे आएगा। तो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, डेली की तरह नहीं है कि काफ़ी कुछ होती है ना न्यूज़ जो नहीं आनी चाहिए वो भी हो जाती है, वैसे नहीं है, बिल्कुल रिफाइंड न्यूज़ है और पूरा एनालिसिस के साथ आपको होगा। आप हमारा वीडियोस भी देख सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स के नाम से ऑन आवर चैनल अभिमन्यु IAS। तो ये लाइव क्लास होगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दिस सेशन 12:30 to 1:30 एवरी मंडे। अब अग्नि मिसाइल के बारे में बात कर ले तो थोड़ा सा, हमने अग्नि-5 बताया, तो अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल इज अ रेंज ऑफ मिसाइल्स इंडिया की है विच इज़ अ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ तक की जो मिसाइल्स है हम लोग उसको बोल रहे हैं मीडियम इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल या MRBM बोल रहे हैं हम इसको। आगे की मिसाइल्स को हम ICBM बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में हम आ जाते हैं अग्नि-6 के ऊपर। अग्नि-5 तो मैंने बता दिया कि 5000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज है उसकी। अब अग्नि-6 आने वाला है एंड अग्नि-6 की रेंज 6000 नहीं होगी, अग्नि-6 की रेंज होगी 10000 किलोमीटर्स। इट इज़ एन अंडर डेवलपमेंट स्टेज। और इसकी एक और एक खासियत है दैट इट कैन लॉन्च मल्टीपल वॉरहेड्स, मतलब मल्टीपल टारगेट्स को अटैक कर सकता है। एक होती है ना मिसाइल की, एक टारगेट को ही अटैक करेगा, A से B, A ने फायर किया, B पे ही फायर हो सकता है, पर ये वाली मिसाइल C को भी अटैक कर सकती है, D को भी, तो मल्टीपल टारगेट्स को अटैक कर सकती है। तो देयर इज़ मल्टीपल वॉरहेड्स and naturally it is nuclear capable। अब जो इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है प्राइमरीली दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम। तो इसके अंडर हमारी सारी मिसाइल्स, अग्नि का भी इनोवेशन यहीं से शुरू हुआ था। तो एक बेसिकली डिसीजन लिया गया था कि हमारी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रशिया वगैरह से आती थी, और तो डिसीजन लिया गया था कि हमें सारी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। और फिर डिसाइड किया गया कि सारी जो मिसाइल्स है, डिफरेंट रेंज की मिसाइल्स है, हमको कलेक्ट साइमल्टेनियसली डेवलप करनी चाहिए। तो एक अग्नि था, उसके बाद ये सारी मिसाइल साइमल्टेनियसली डेवलप हुई थी। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आ जाते हैं पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी अर्थ है ना, तो भूमि से भूमि ऐसे समझ सकते हैं आप। और इसकी रेंज है 250 टू 300 किलोमीटर्स। तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी है नाम सोच के कि तो पृथ्वी में कहीं भी अटैक कर सकते, ऐसे मत सोचना। इसका रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर्स है। ओनली अग्नि इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट इज त्रिशूल। त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल। तो त्रिशूल की एक खासियत है, इट्स अ सर्फेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, बट इट इज़ अ लो लेवल सर्फेस टू एयर मिसाइल। इट कैन एक्ट एज अ सी स्किमर, मतलब सी के सरफेस है, मतलब किसी सबमरीन या किसी शिप ने अटैक किया तो सी के साथ साथ ये जा सकती है, सो इट इज़ अ स्की स्किमर। ऐसा क्यों करेगी? सो दैट इट कैन एवेड एनिमी के रडार सिग्नल्स को, ये से बच सके। तो त्रिशूल में मिसाइल है। उसके बाद आते हैं आकाश मिसाइल, जो बहुत आता है न्यूज़ में भी आता है, एमसीक्यू से भी देखा गया है। सो आकाश जैसे नाम है, आकाश आसमान, तो ज़मीन से आसमान में अटैक कर सकते हैं आकाश मिसाइल। किसको अटैक करेंगे? एनिमी के फाइटर प्लेन्स आए हैं उनको अटैक करेंगे हम लोग। तो इसकी रेंज भी अकॉर्डिंगली है, एंड इसकी रेंज है 30 किलोमीटर्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है नाग मिसाइल। दिस इज एन एंटी टैंक मिसाइल, इट इज़ अ क्रूज मिसाइल, और ये सांप की तरह जाती है ऐसे ऐसे करके, इसलिए इसको बोलते हैं नाग, उधर से नाम आया इसका। सो इट्स एन एंटी टैंक मिसाइल, मतलब टैंक से फायर किया, फायर एंड फॉरगेट, भूल जाओ भाई कहाँ जा रही है, एनिमी को ही हिट करेगी, टेंशन मत लो, ऐसे है। अब मैंने कहा था कि अग्नि वॉज लॉन्च्ड इन दी IGDM प्रोग्राम, तो देखा जाए तो अग्नि की इतनी सिग्निफिकेंस थी कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन सकती थी। तो बाद में डिसाइड किया गया कि अग्नि को अलग कर देंगे हम, तो अग्नि का डेवलपमेंट अलग हो गया। और अग्नि के अंदर एक और एक खासियत है दैट इट इज़ अ री एंट्री व्हीकल, मतलब अगर किसी ने ज़मीन से अटैक किया, मतलब अग्नि को फायर किया, सो इट एक्चुअली रीचेस द स्पेस, इट लीव्स द एटमॉस्फेयर, इट रीचेस द स्पेस एंड देन गेट बैक एंड टारगेट्स दी सर्फेस पे, जो भी टारगेट को अटैक करना उसको हिट कर सकती है। सो इट री एंटर्स दी एटमॉस्फेयर, इसलिए री एंट्री व्हीकल। तो ये इसका खासियत है यहाँ पे। और बाकी कुछ मिसाइल्स है जो न्यूज़ में आती है और काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये IGDM प्रोग्राम में नहीं है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि IGDM में कौन सी मिसाइल्स है आपको पता होना चाहिए और कौन सी नहीं है ये भी। तो K-15 सागरिका, ये है आपकी सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज है 750 किलोमीटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सबमरीन से, पानी के अंदर से ये मिसाइल को फायर कर सकते हैं, एंड का रेंज है 750 किलोमीटर्स। इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। इसका सिग्निफिकेंस देखो अभी आप, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा इंडिया का एक ट्रायड डेवलप हो गया। अब हम लोग ना सिर्फ एयर से अटैक कर सकते हैं दूसरी कंट्री को, एयर से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं या हवा से, हम लोग सी के अंदर से भी अटैक कर सकते हैं, सबमरीन के थ्रू भी अटैक कर सकते हैं। तो INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उसमें पहली बार K-15 सागरिका का लॉन्च किया गया था। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ एनेबल्ड इंडिया टू अकॉम्प्लिश अ न्यूक्लियर ट्रायड। बहुत कम कंट्रीज़ है जिनका एक न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप्ड है, तो हम वो क्लास ऑफ कंट्रीज जैसे US, रशिया, चाइना, उस लीग में आ गए हैं इससे। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स अस व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रेडिबल डेटरेंस डॉक्ट्रिन या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उस रिगार्ड में ये वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक इम्पॉर्टेंट मिसाइल है धनुष मिसाइल। धनुष इज ऑल्सो अ बैलिस्टिक मिसाइल, सो इट्स अ सी बेस्ड मिसाइल। फिर आप क्या आ गया, निर्भय मिसाइल, एंड बाद में अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है इन UPSC प्रीलिम्स। अस्त्र का सिग्निफिकेंस ये है दैट अस्त्र कैन बी फायर्ड फ्रॉम अ फाइटर प्लेन, हवा से फायर कर सकते हैं। सो इट इज़ एन एयर टू एयर मिसाइल, and it is a beyond visual range, air to air missile, beyond visual range, मतलब वो जो फाइटर पायलट है उसको नहीं दिख रहा टारगेट, उसके रडार में आ गया है तो ही कैन फायर इट। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब इसकी रेंज है 80 किलोमीटर्स, अबाउट 80 किलोमीटर्स। तो ये सब था हमारे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर ऑन द मिसाइल्स, अग्नि-P मिसाइल, और हमने बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी किया है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, हमारी वीकली करंट अफेयर्स क्लास हो रही है 12:30 PM टू 1:30 PM एवरी मंडे। तो वी आर ओनली कवरिंग द रेलिवेंट करंट अफेयर्स, हम फिर भी 20-25 टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा, और आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं जो पहले के बने हुए हैं, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप अभिमन्यु IAS टाइप करें यूट्यूब पे, और उसके स्पेस देके वीकली करंट अफेयर्स करें। and you can subscribe, like, share and subscribe to our YouTube channel. So once again, you're watching Abhipedia, powered by ABHIMANU IAS, and I am your current affairs mentor, Subhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best for your exam.